स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 11 को लेकर के, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत उप विषय इतिहास से है और आज का प्रकरण है हमारा मौर्य साम्राज्य। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने दोस्तों बात की थी 1 से 10 तक की लेसन प्लान को लेकर के, जो कि आपका हिस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग टॉपिकों पर बेस्ड है। तो अगर आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में हैं या फिर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हैं और लेसन प्लान सर्च कर रहे हैं तो आप हमारे होम पेज पे जाकर के वहां से लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आप यहां पर पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, उसके बाद आप सीधे सीधे 5 कॉलम बना सकते हैं, अदरवाइज आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप दिनांक डालेंगे, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट मेंशन करिएगा, आप डेट कॉपी मत करिएगा। उसके बाद विषय यहाँ पर आपका सामाजिक अध्ययन होगा या आप सामाजिक विज्ञान डालिएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका जो पार्ट है वो हिस्ट्री पोर्शन है, इसलिए यहाँ पर उप विषय इतिहास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सामाजिक विज्ञान डालिएगा। उसके बाद चक्र यानी पीरियड की बात की जाए तो ये आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं। टाइम पीरियड यानी समय अवधि 35 मिनट है, आप इसे भी 30-45 मिनट डिवाइड करके लिख सकते हैं। उसके बाद कक्षा 6 है तो आप कक्षा 6 डालेंगे और आज का प्रकरण है हमारा मौर्य साम्राज्य। दोस्तों आप यहाँ पर अगर चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के बना रहे हैं तो आपसे मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो महान शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, तो आप चाहें तो प्रकरण में चंद्रगुप्त मौर्य भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स की बात की जाए तो ये आपके उप विषय यानी इतिहास से संबंधित आप बच्चों को सामान्य जानकारियां देते हैं, जैसा कि इसमें पहला पॉइंट है छात्रों में ऐतिहासिक रुचि उत्पन्न करना, दूसरा पॉइंट है छात्रों में सर्वधर्म भावना का विकास करना, तीसरा पॉइंट है छात्रों में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, चौथा पॉइंट है छात्रों में गौरवमय संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न करना या जागृत करना, पांचवा पॉइंट है छात्रों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना। तो दोस्तों ये थे सामान्य उद्देश्य जो कि आपके उप विषय यानी इतिहास से संबंधित थे। आप पॉइंट को कम करके भी लिख सकते हैं, आप मैक्सिमम जो है वो 5 लिख सकते हैं या 7 लिख सकते हैं और मिनिमम आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य उद्देश्य आप अपने हिसाब से भी कम या ज्यादा लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए तो ये आपके प्रकरण क्या है हमारा मौर्य साम्राज्य, तो उससे संबंधित आप विशिष्ट जानकारियां बच्चों को देंगे, जैसा कि इसमें आप पॉइंट वाइज जानकारियां देंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप चीजों का ज्ञान कराते हैं, जैसे छात्र अब्लिक छात्राएं मौर्य साम्राज्य के बारे में जान सकेंगे, दूसरा छात्र छात्राएं मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में जान सकेंगे। फिर आगे हम देखेंगे बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्यों की बात की जाए तो बच्चों को बोध कराएंगे जो भी टॉपिक है उसके बारे में। इसमें आप जैसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं छात्र छात्राएं मौर्य सम्राट की शासन व्यवस्था का बोध कर पाएंगे, दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राएं मौर्य साम्राज्य की उपलब्धियों के बारे में बोध कर सकेंगी या जान सकेंगे। तो ये था बोधात्मक उद्देश्य। उसके बाद तीसरी हेडिंग आएगी अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राएं मौर्य वंश के सम्राट से स्वाभाविकरण कर सकेंगे, दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राएं मौर्य सम्राट की उपलब्धियों को स्वयं के जीवन से उतार सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई आपके विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर की, जो कि आपके 3 पॉइंट में थे। आप इन पॉइंटों को कम करना चाहते हैं तो आप जैसे कि 2-2 पॉइंट सब में दिए, आप 1-1 पॉइंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सहायक सामग्री यानी जिसे आप TLM कहते हैं या जिसे आप शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। इसमें आप टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज करते हैं, जैसे आपने चौक का इस्तेमाल किया, डस्टर का, लपेट शैम्पट का, पॉइंटर का, कोई चित्र हो गया, कोई मॉडल हो गया, ठीक है, कोई भी चीज जो आप पढ़ाते समय यूज करते हैं वो आप TLM में दिखाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, छात्र व छात्राओं को पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक से रिलेटेड। इसमें आप देखेंगे छात्राएं या छात्र जो हैं मौर्य साम्राज्य के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये है बच्चों का पूर्व ज्ञान। फिर अगली हेडिंग आप डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए तो पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न छात्रों से निकलवाने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया। इसमें आपने पहला प्रश्न बच्चों से किया, तिरंगे झंडे में बने चक्र को क्या कहते हैं, बच्चों ने बताया
अशोक चक्र कहते हैं। ठीक है, देखेंगे दूसरा प्रश्न। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, यह किस महान सम्राट के नाम से जाना जाता है? बच्चों ने बताया सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया, सम्राट अशोक किस साम्राज्य के राजा थे? छात्र निरुत्तर हो गए क्योंकि छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता। अब यहीं से हमारा उद्देश्य कथन बनेगा। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, आज हम लोग मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। इसमें आप जो है बच्चों को बताएंगे कि आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है मौर्य साम्राज्य का अध्ययन। आप चाहे तो इसे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसे सम्राट अशोक के नाम से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है तो उसका जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो आप टॉपिक चंद्रगुप्त मौर्य पर भी बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न। प्रस्तुतिकरण प्रश्नों की बात की जाए तो इसमें आप पूरे टॉपिक को समझाने से पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं, उसके बाद टॉपिक का परिचय देंगे। ठीक है, परिचय देने के बाद आप स्पष्टीकरण के माध्यम से बच्चों को टॉपिक समझाएंगे। इसके लिए आप 6 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि या प्रविधि, छठा रहेगा श्यामपट कार्य। तो इस तरह से आप 6 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे। इसमें आपने बच्चों से पहला प्रश्न किया, सम्राट अशोक किस वंश के राजा थे? बच्चों ने बताया मौर्य वंश के। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? छात्र निरुत्तर हो गए क्योंकि छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता। अब यहीं से आप बताएंगे मौर्य साम्राज्य का कैसे शुरुआत हुई। ठीक है, इंट्रोडक्शन पूरा देंगे, फिर आप डालेंगे मौर्य साम्राज्य। इसमें आप लिखेंगे, सिकंदर ने 326 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया। इस समय यहाँ नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। वह इसके आगे अभी हम देख लेंगे। छात्र क्रिया में छात्र जो है इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर आपने पाठ से संबंधित व्याख्या दी या स्पष्टीकरण बताया, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसी में कुछ और चीजें। फिर आगे आप लिखेंगे, वह बहुत ही क्रूर शासक था, यानी धनानंद के बारे में बात हो रही है। चंद्रगुप्त नामक व्यक्ति ने उसने उसकी सेना में जो है नौकरी की, यानी जो नौकरी करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात हो रही है। चंद्रगुप्त ने राजा के दुर्व्यवहार से उबकर राजा के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के कारण उसे मृत्यु दंड दिया गया, लेकिन चंद्रगुप्त इससे बचकर मगध से भाग निकला। उसने नंद वंश के विनाश के लिए मन ही मन ठान लिया। इसी समय चंद्रगुप्त की भेंट चाणक्य से हुई, जिसकी मदद से चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार नंद वंश का तख्ता पलटकर 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। स्पष्टीकरण में भी आप पूरा चंद्रगुप्त के बारे में ही परिचय देंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। छात्र क्रिया में छात्र जो है चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। श्यामपट कार्य में आप मौर्य साम्राज्य की स्थापना डाल सकते हैं। ठीक है, देखेंगे इसी के आगे हम अगले पन्ने पे आप क्या कुछ चीजें लिखेंगे। फिर आप स्पष्टीकरण देख सकते हैं, काफी चीजें स्पष्टीकरण में दी हैं। आप वीडियो पॉज करके इन्हें पढ़ के लिखेंगे। छात्र क्रिया में फिर वही है, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। फिर आगे हम देखेंगे विकासात्मक प्रश्न। इसमें आपने पहला प्रश्न किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का विनाश किया? बच्चों ने बताया नंद वंश का। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, नंद वंश को परास्त करने में उसकी मदद किसने की? बच्चों ने बताया चाणक्य ने की। यहाँ पर प्रश्नोत्तर चल रहा है क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं और छात्र छात्राएं उसका उत्तर दे रहे हैं। फिर तीसरा प्रश्न किया, चंद्रगुप्त के पश्चात मगध की गद्दी पर कौन बैठा? छात्र निरुत्तर हो गए क्योंकि छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता। अब यहीं से हम परिचय डालेंगे मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था। ठीक है, इसमें मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में बताएंगे। यहाँ पर आप डालेंगे, छात्र इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। और श्यामपट कार्य के लिए आप दिखा सकते हैं, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक जो है वो उत्तराधिकारी रहे। ठीक है, तो ये श्यामपट कार्य में आप ऐसे ही लाइन से दिखाएंगे कि किसके बाद कौन गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो आप इसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आप क्या कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो आपका परिचय दिया है मौर्य साम्राज्य का, उसमें बताया गया है कि कैसे क्या चंद्रगुप्त के बाद, चंद्रगुप्त के बारे में ज्यादातर बताया गया है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इन चीजों को लिखेंगे। छात्र क्रिया में छात्र जो है चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, यहाँ पर फिर से व्याख्यान विधि हो गई। फिर आगे हम देख लेते हैं, आप इन चीजों को वीडियो पॉज करके आराम से लिखिएगा। फिर से आप स्पष्टीकरण में चंद्रगुप्त के बारे में ही बताएंगे। आप इन चीजों को पॉइंट वाइज लिखें तो आपको लिखने में इतना टाइम नहीं लगेगा। आप जैसे ये पॉइंट दिए हैं आप 3 से 4 पॉइंट में अपने हिसाब से लिख सकते हैं बना के। ठीक है,
तो स्पष्टीकरण देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके इसे लिखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर आपका प्रस्तुतिकरण प्रश्न जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप पढ़ के वीडियो पॉज करके लिखिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं हम विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्नों की बात की जाए तो इसमें आप पूरे टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों का मानसिक स्तर जांचेंगे कि आपने जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाया उन्हें कितना समझ में आया है। जैसा कि इसमें पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम था। दूसरा प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मगध की गद्दी पर कौन बैठा। तीसरा प्रश्न है, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने क्या क्या निर्माण किया। चौथा है, अशोक को एक महान सम्राट क्यों कहा गया है। तो इस तरह से बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य पे लेशन प्लान बना रहे हैं तो आप प्रश्न दे सकते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। दूसरा लिख सकते हैं आप, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था। तीसरा प्रश्न कर सकते हैं आप, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा। चौथा दे सकते हैं आप प्रश्न, नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था उसका विनाश किसने किया। तो इस तरह से आप बोध प्रश्नों को दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य से पहले हम देखेंगे श्यामपट कार्य, यानी जिसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क कहते हैं। इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन से चीजें मेंशन करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट पेज पे की है, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, ठीक है, चक्र, अवधि, प्रकरण। इस तरह से आप प्रश्न दो दे सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। दूसरा है, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने क्या निर्णय लिया। तो इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड वर्क दिखाएंगे। फिर आगे हम देखेंगे निरीक्षण कार्य, यानी ऑब्जर्वेशन वर्क। इसमें आप क्या करेंगे, यानी जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका होंगी वो कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी और छात्रों की आवश्यकता अनुसार सहायता करेंगी। वो ये कार्य तब करेंगी जब छात्र श्यामपट कार्य उतार रहे होंगे। इसमें आप लिखेंगे, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक छात्राओं को श्यामपट कार्य पुस्तिका में उतारने का आदेश देंगे या देंगी और स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करते हुए छात्रों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करेंगी। तो इस तरह आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। आगे हम देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न, या जिसे आप अभ्यास कार्य कहते हैं। इसमें आप पूरे टॉपिक का फिर से रिवीजन करवाएंगे, यानी ये आप क्लास में ही करवाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप प्रश्न देंगे। जैसे पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से नंद वंश का विनाश किया। तीसरा है, सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था। चौथा है, अशोक को एक महान सम्राट क्यों कहा जाता है। पांचवा है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो इस तरह से आप पुनरावृत्ति प्रश्न या अभ्यास कार्य बच्चों को क्लास में करवाएंगे। सबसे लास्ट में हम देखेंगे गृह कार्य, यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। इसे आप बच्चों को घर से करने के लिए देंगे। इसमें आप कोई भी प्रश्न दे सकते हैं, जैसे सही गलत हो गया, मिलान हो गया, ठीक है, कोई प्रश्नोत्तर हो गई, टिप्पणी हो गई, या बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। तो इस तरह से आप गृह कार्य में बच्चों को दे सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है, सही और गलत बताइए। इसमें आपने पहला प्रश्न दिया, अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई युद्ध किए, ये सही है या गलत, बच्चे टिक करेंगे। दूसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया, ये बात सही थी या गलत, तो बच्चे टिक करेंगे। फिर देखेंगे इसे में तीन और पॉइंट। फिर आगे इसमें, अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था। फिर चौथा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया। पांचवा है, अशोक ने जैन धर्म अपनाया। तो इस तरह से आप 4 से 5 पॉइंट सही गलत में देंगे और बच्चे से घर से करके लाएंगे। और दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर हमारा जो पाठ योजना संख्या 11 है वो कम्प्लीट हो गई है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 12 को लेकर के, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत उप विषय इतिहास से रहेगा और प्रकरण रहेगा हमारा खिलजी वंश। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।